अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें तमाम दोस्तों को बताऊंगा कि क्लर्क की जो जॉब्स आई हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उस पर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कितनी पोस्ट हैं और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकान पर प्रेस करें ताकि जितनी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच सकें, ताकि आप उस पर अप्लाई कर सकें और बरसरे रोज़गार हो सकें। शुक्रिया। तो चलते अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जी 48 जूनियर क्लर्क्स की जॉब है BPS 11 की। तो ये नीचे चलते हैं, ये अपना मुख्तलिफ़ हैं PPSC की जो है ना जॉब है, जो आज हमारी मेन वीडियो है वो क्लर्क्स की जॉब के हवाले से है। ये इसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि जो 48 टोटल जो है ना सीट्स हैं, इसमें ओपन मेरिट पे 21 हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 2 हैं, मिनॉरिटी कोटा 2 हैं, वोमेन कोटा 10 हैं, पोस्ट रिजर्व फॉर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ BOR ओनली। तो ये आप देख सकते हैं 13 पोस्ट हैं उनके लिए रिज़र्व हैं। टोटल जो है ना 48 जो है ना पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क है, अभी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, उसके बाद जो है ना परमानेंट हो जाएंगे। इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप देख सकते हैं जी, ये हायर एजुकेशन कमीशन है, ये अपना हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन के साथ, मतलब इंटरमीडिएट आपने किया हुआ हो, उसके बाद स्पीड 25 वर्ड पर मिनट पर आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, और जो MS ऑफिस वगैरह का जो है ना वो आपको होना ज़रूरी है। अगर MS ऑफिस और टाइपिंग स्पीड वगैरह किस तरह बनाते होते हैं ये अगर आपने देखना है तो मेरे चैनल को विजिट करें, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। उसमें एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि स्टेनोग्राफर और APS का टेस्ट किस तरह पास करते होते हैं, क्लर्क का भी उसके साथ मिलता जुलता टेस्ट होता है। तो इसकी जो एज है वो मतलब 18 to 25 साल प्लस 7 ईयर जो है ना रिलैक्सेशन है। फीमेल के लिए भी इन्होंने 18 to 25 साल प्लस 10 ईयर 35 साल टोटल। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अपना क्राइटेरिया होगा, सिलेबस इन्होंने दिया, सिलेबस में इन्होंने दिखाया कि 1 पेपर MCQs होगा पहले, उसके बाद रिटन टेस्ट जो क्लियर कर जाएगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर जो है ना वो होंगे। और इन्होंने बताया हुआ है कि इस टेस्ट में क्या क्या होगा, क्वेश्चन जो है ना रिलेटेड MS ऑफिस होंगे, जो नॉलेज जो है ना वो होगा। तो ये थोड़ी सी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बनी है जिसमें मतलब बताया गया है कि अच्छा आपने अब अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने का तरीका और इसका जो है ना कि कहाँ से अप्लाई होगा। आपने PPSC की वेबसाइट पे जाके आपने इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, वो तकरीबन 600 रुपये का चलान फॉर्म होगा, वो आपने फिल करके नेशनल बैंक या स्टेट बैंक में आपने जो है ना जमा कराना है। उसके बाद पहले आप चलान जमा कराएंगे, उसके बाद जाके आपने PPSC की वेबसाइट पे आपने जाके अप्लाई करना है। उसमें तमाम अपना जो है ना वो आपका डाटा पूछेंगे, डाटा पूछने के बाद वो जो है ना आप फर्दर मतलब अपना ID कार्ड फ्रंट बैक जो है ना अपलोड करेंगे, उसके बाद चलान भी अपलोड करेंगे, उसके बाद जो है ना आपने अपनी सारी डिटेल उस पर पुट करनी है। ये था इसका अप्लाई करने का तरीका। अगर जिन दोस्तों को कोई मज़ीद कोई मसला हो अप्लाई करने में वो जो है ना कमेंट में मुझे बता सकता है, मैं उनको स्पेशली गाइड कर दूंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। ये जूनियर क्लर्क्स की मतलब PPSC के थ्रू काफ़ी सारी पोस्टें हैं चकवाल में, और इसका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का जो है ना डोमिसाइल इसका रिक्वायर्ड है। चकवाल ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव डोमिसाइल चकवाल डिस्ट्रिक्ट आर एलिजिबल फॉर द सेट पोस्ट। ये चकवाल के लिए जो है ना इन्होंने दी हुई है, पंजाब के लिए नहीं है सॉरी, ये चकवाल के लिए है।